अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम आपको साहिवाल की सैर करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। साहिवाल में एक बहुत ही अच्छा रिजोर्ट बना है, आइरिस रिजोर्ट, वहाँ आपको लेके जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है, तो मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। साथ साथ हम आपको अपना साहिवाल भी दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा सिटी है हमारा, बहुत आरामदेह सिटी है ये। पहुंच गए हैं आइरिस रिजॉर्ट। यहाँ पर हम गाड़ी पार्क करेंगे और फिर हम अंदर इंटर होंगे। मेरे साथ रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। किधर जाना है? वो चलते इधर आओ, जरा यहाँ हम इंटर हो चुके हैं। तो यहाँ इंटर होते ही हमें मंकी नजर आए हैं। रोहान, कैसे लग रहे हैं मंकी आपको? जी
आप भी आए आयरस रिजॉर्ट विजिट करें, बहुत अच्छा बना हुआ है, अपनी फैमिली के साथ निकलें बाहर। वेदर भी साहिवाल का बहुत अच्छा हुआ हुआ है दो तीन दिन से, और मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए कोई। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखो हम जू में पहुंच गए हैं, टाइगर बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं टाइगर को। रुहान आपको नजर आ रहा है ये लाइन? रुहान की एक्साइटमेंट देखने वाली है। ये हम पहुंचे हैं जू में, हम आपको डिफरेंट एनिमल्स दिखाते हैं, बर्ड्स और ये देखें बियर घूम फिर रहा है यहाँ। रुहान देख के बहुत एक्साइटेड हो रहा है क्योंकि पिक्चर्स में देखता था और आज रियल में देख रहा है। रुहान तो बहुत खुश हो रहा है। डे में आपको सारा आयरस रिजॉर्ट दिखाएं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। अब शाम हो रही है लेकिन हम जल्दी जल्दी आपको हर चीज इसकी दिखा देंगे। यहाँ जरूर आइएगा, विजिट करिएगा, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अपनी फैमिली के साथ आए, अपने फ्रेंड्स के साथ आए और घूमे फिरे। इधर आ जाओ रुहान, ये देखें कितना मजे का सीन नजर आ रहा है यहाँ पे। ये डिफरेंट डोर्स निकल रहे हैं यहाँ पर। ये इतना बड़ा बना हुआ है कि इसके इतने डोर हैं यहाँ पर, पता ही नहीं चलता हम लोग किधर जा रहे हैं और किधर से निकल रहे हैं, लेकिन बना बहुत खूबसूरत हुआ है। ये फिर से हम उसी साइड पर आ गए हैं जहाँ पर एक कैफेटेरिया बना हुआ है, ये उसका है। ग्रीनरी बहुत प्यारी है, बहुत ही जबरदस्त जगह बनी है साहिवाल में। साहिवाल वैसे भी बहुत प्यारा है, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन ये एक न्यू जगह बनी है एक अमेरिकन स्टाइल में। यहाँ की छोटी छोटी सी बिल्डिंग बनी है बहुत प्यारी प्यारी सी, वो भी मैं अपने व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। ये देखें ये बिल्डिंग कहाँ तक जा रही है। बच्चों को हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं बाहर लेकर जाना चाहिए, इस तरह से बच्चे भी खुश होते हैं और पेरेंट्स भी खुश होते हैं। बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत कुछ बच्चे देखते हैं, सीखते हैं और इन्जॉय करते हैं। आजकल तो वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं तो वेकेशंस में लोग बच्चों को बाहर लेके निकलते हैं। जून में बहुत ही अच्छा मौसम है, उम्मीद तो नहीं थी लेकिन जून बहुत गर्म होता है। दो तीन दिन से बहुत ही मज़े का मौसम है, बारिश हुई है कल और बहुत ठंडी हवा चल रही थी और आज भी बहुत मजे का मौसम है। रुहान ने रट लगाई थी, मामा फन सिटी जाना है मुझे। मैंने कहा बेटे आज आपको आयरस रिजॉर्ट हम विजिट करवाते हैं, पहले भी आ चुके हैं लेकिन हम लोग वीडियो सम टाइम नहीं बनाई जाती, वीडियो बना नहीं सके। यहाँ पे मैंगो नजर आ रहे हैं, बहुत ही मजे के मैंगो है। रोहन ये इसको पेटियों में भर रहे हैं पकने के लिए।
ये लास्ट इधर इधर फिर इधर ही हम लोग गए हो ना उधर फिर हाँ इधर आओ बेटे बहुत ही प्यारे लॉन बने हुए हैं वाओ नाइस व्यू ये देखें यहाँ का व्यू ये रात को यहाँ पे शावर चलते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं मगरिब का टाइम हो गया है बस अब हम भी निकलेंगे घर की तरफ ये लाइट्स ऑन हो गई हैं पूरे रिजॉर्ट में रात को भी बहुत प्यारा लगता है लेकिन कुछ चीजें नजर नहीं आती जैसे कि ये हो गया क्लियर नजर नहीं आती हाँ नो गिरना चाहिए गिरना लोग यहाँ पिकनिक मनाने भी आए हुए हैं बहुत सारे घर से खाना बना के ले आते हैं और यहाँ पर फिर अपनी फैमिली के साथ पिकनिक और भी बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे प्ले लैंड है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे वो भी आपको विजिट करवाएंगे अभी हम जा रहे हैं शाम हो रही है कहाँ झूला है चलो देख लेते हैं झूला देख लेते हैं ये यहाँ से हम इंटर हुए थे अब हम जा रहे हैं बाहर और ये देखें आई होप सो व्यूवर्स कि आप बहुत आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी है मंकी इधर रोहान को सेट करना जी व्यूअर्स ये यहाँ पर हम लोग आयरस रिजॉर्ट से बाहर निकल रहे हैं लेकिन इसके जो बाहर वाला एरिया है यहाँ पर बहुत खूबसूरत बच्चों का प्ले लैंड है हम लोग आए थे पहले चलो जाना है रूहान बहुत एक्साइटेड है बात ही नहीं सुन रहा कह रहा है मामा मुझे प्ले लैंड जाना है क्योंकि पहले वो यहाँ आ चुका है तो हम दिखाते हैं आपको प्ले लैंड ओपन द डोर बेटा जी ये है आयरिस रिजॉर्ट का प्लेलैंड